नाजिन मैं आपको खुश आमतीज़ कहता हूँ हमारा एक नया एपिसोड इसमें कई मॉड्यूल्स होंगे आपको मालूम है कि इस कोर्स का नाम एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग थ्रू पैडागॉजी एंड टेक्नोलॉजी है आप मुझे जानते हैं मेरा नाम अशरफ इकबाल है मेरे साथ यासिर हाशमी है पैदागॉजी मेंटाइज एक्सपर्टीज़ है इनकी एक्सपर्ट हैं पैदागॉजी के साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग के आप आप लोगों से पहले भी वाकिफ़ हैं तो नाजिन हम अब एक नया बिल्कुल नया मॉड्यूल कहना चाहिए या नया सेक्शन कहना चाहिए शुरू करने वाले हैं और वो टेक्नोलॉजी की अप्लीकेशनस हम अब डिस्कस करेंगे और कई मॉडल्स डिस्कस करेंगे लेकिन इससे पहले कि मैं आपको मॉडल्स डिस्कस करूं हम थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है एजुकेशन का पाकिस्तान के अंदर डेवलपिंग uh, कंट्रीज़ के अंदर इवन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर उसका थोड़ा सा मैं आपको झलक दिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि, uh, कितनी परसेंटेज है स्टूडेंट्स की बच्चों की जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं आ, इस वक्त जो टोटल तादाद हमारे हाई स्कूल की है और ये रफ़ एस्टीमेट्स हैं वो तक़रीबन जो हाई स्कूल में जाते हैं पंजाब के अंदर वो तकरीबन 20 लाख है और इसको अगर आप डबल कर दें तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान का नंबर आपके पास आ जाए थोड़ा उससे कम होगा आ, कोई पैंतीस लाख के करीब बच्चे हमारे हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं अच्छा अब आप ज़रा इसको इस तरह से देखें कि गवर्मेंट ऑफ पंजाब सूबे की पंजाब गवर्नमेंट की जो हुकूमत है वो जो एक सब्जेक्ट के लिए किताब छापती है और सब्सिडाइज करती है चूँकि तादाद बहुत ज़्यादा है तो इसलिए जो जो उसकी आ, वो शुरू का जो डिज़ाइन होता है उसमें तो इतने पैसे लेकिन प्रिंटिंग पे तो पैसे खर्च होते हैं और ये सब्सिडाइज़ कर रहे हैं उस किताब को अगर वो तीन सौ की किताब है तो ये उसे दो में या डेढ़ में या सौ रुपये में बेच रहे हैं तो खर्चा तो और कहीं जगह कई कही जगह ऐसा भी हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुफ्त किताब प्रोवाइड कर रही है तो कम अज़ कम सौ दो सौ रुपये तो हर बच्चे पर मैंने आपको बताया बीस लाख बच्चे हैं उन पर वो ख़र्च कर रही है इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल पैसे जो हैं वो बीस करोड़ बनते हैं बीस करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है क्या हम यही पब्लिकेशन कॉस्ट ये जो प्रिंटिंग कॉस्ट आ रही है वो तो आ रही है ना हर सूरत में उसमें तो आप कमी नहीं अगर आप इस मोड को इस्तेमाल करते हैं तो प्रिंटिंग कॉस्ट तो आपकी कम नहीं हो सकती ख़त्म नहीं हो सकती ना मजीद कम हो सकती है इसलिए कि अभी भी हम वाई वॉल्यूम्स में छाप रहे हैं किताबें और सब्सिडाइज कर रहे हैं हम ये चाह रहे हैं कि इनको बिल्कुल रिप्लेस कर दिया जाए इलेक्ट्रॉनिकताबों से और वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिकताब की प्रिंटिंग कॉस्ट तो कोई नहीं होगी सिर्फ उस पर जो डिज़ाइन पर जो पैसे खर्च होंगे वो इसमें होंगे अच्छा इससे पहले कि आप लोग इस डिबेट में पढ़ें या हम इस डिबेट में पढ़ें कि क्या इलेक्ट्रॉनिक किताबें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उनका कितना फ़ायदा है और जो मॉडल्स हम डिस्कस करना चाह रहे हैं एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो ये कि पंजाब के अंदर मैंने आपको बताया कि 20 लाख बच्चे हैं जो हाई स्कूल में जा रहे हैं वहाँ जाके किस क्वालिटी की पढ़ाई हो रही है हा, किस हद तक जो बेसिक मैट्रिक्स हैं लर्निंग के जिसमें इनोवेशन कोलाब्रेशन कम्युनिकेशन डिस्कवरी किस हद तक वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं किस तरह किस हद तक वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं ये तो एक अलग मसला है ये हम डिस्कस नहीं कर रहे लेकिन कम से कम बीस लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कूल जाना नसीब हो रहा है उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे बनाएं वो हमारे अलग मॉडल होंगे लेकिन इस वक्त मैं ये बात नहीं कर रहा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बीस लाख बच्चे तो इस्कूल जा रहे हैं कम अज कम पचास लाख बच्चे पचास लाख से एक करोड़ बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल नहीं जा सक रहे वो वो बच्चे हैं जो किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं वो वो बच्चे हैं जो मैं एडल्ट बच्चों की बात करूँ जो हाई स्कूल जा सकते हैं वो बच्चे हैं जो खेत में अपने माँ बाप की हेल्प कर रहे हैं ये वो बच्चे भी हो सकते हैं जो आपके घर में कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं ये वो बच्चे भी हैं जो दुकानों पर एम्प्लॉयड हैं हमारी ईदन एवेन्यू एक्सटेंशन में आपको ये तस्वीर नज़र आ रही है एक छोटा सा बच्चा है जो दुकान पर से चीज़ें ले और वो مختلف घरों में खरीदी है पढ़ने का इसको बहुत शौक है। इस तरह आप वर्कशॉप में चले जाएं किसी वहां पे छोटा कहते हैं उसको नहीं थी, एक छोटा हमेशा होता है जो औजार लेके आता है हमारा कारपेंटर जब भी आता है तो उसके साथ एक छोटा होता है वो सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं बच्चे उनके पास आ, ये मौका नहीं मिला वो इतने खुशकिस्मत नहीं है कि वो स्कूल जा सकें और उनकी तादाद जैसे मैंने आपको बताया कि पचास लाख से एक करोड़ तक हो सकती है तो ये बच्चे भी तो आखिर हमारे बच्चे हैं और इन बच्चों की पढ़ाई की ज़िम्मेदारी भी हमारे ऊपर आए होती है मैं यासिर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्वालिटी की बात तो फ़िलहाल हम साइड पे रख देते हैं कि जो एग्जिस्टिंग स्कूल हैं उनकी सूरत हाल कैसी है प्राइवेट हों या गवर्नमेंट स्कूल्स हों या एन जो रन कर रही हैं उनकी आ, उनके स्कूल हो ये बताइए कि ये एक करोड़ बच्चों के लिए अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी चाहें और उस्ताद हायर करना भी चाहें तो मेरे ख़्याल में तो ये एक इम्पॉसिबल टास्क होगा यूजिंग कन्वेंशनल टेक्निक्स अगर हम उन 20 लाख बच्चों को जो इस वक्त स्कूल जा रहे हैं उनको ही सही तरीके से पढ़ा लें कन्वेंशनल तरीके से या जो हम प्रोपोज़ कर रहे हैं उन तरीक़ों से तो बड़ी बात होगी तो इसके बारे में थोड़ी सी आप रोशन डालें मेरा ख्याल तो ये है मेरी गट फीलिंग तो ये है कि जब तक कोई इनोवेटिव तरीके हम नहीं निक, निकालते जब तक टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल नहीं करते हम ये फॉर एग्जांपल कर सकते हैं कि हर आ, उनको एक कंप्यूटर प्रोवाइड कर दिया जाए या कोई ऐसा सेंटर प्रोवाइड कर दिया जाए जहाँ पर शाम के वक्त वो चले जाएं और स्पेशल एजुकेशन उनके लिए हो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सेंटर्स तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में पाकिस्तान में कराची से गिलगित तक मौजूद हैं जो शाम के वक्त इस्तेमाल किए जा सकते हैं इसी तरह और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं तो या सिर आप मुझे ये बताइए कि ये जो पचास लाख से ले कर करोड़ तक आ, की तादाद में हमारे हाई स्कूल के बच्चे हैं जिनको हमने आ, इस वक्त आ, बे बिल्कुल किसी किसी रहनुमाई के या बग़ैर किसी सपोर्ट के छोड़ा हुआ है एंड बिकम पोटेंशियल बॉम्बर्स खैर हर चीज़ का सिक्योरिटी एस्पेक्ट नहीं होता लेकिन आपकी बात आ, बिल्कुल दुरुस्त है कि एक तो ऐसे बच्चे हैं जिनको जिनको जिन तक पहुंचना बहुत आसान है या वो शहरों में रहते हैं या वो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे टीचर्स का और स्कूल बिल्डिंग्स का पहुँचाना आसान है या उनके वालदेन की कमाई इतनी है कि बच्चों को घर की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है बल्कि उससे वो इकोनॉमी पेरेंट्स जो कमाते हैं उसमें से इतनी आमदनी निकल सकती है कि उनकी एजुकेशन के लिए पेमेंट भी हो जाए तो ये लेकिन जिस तरह आपने कहा कि एक सेगमेंट है पॉपुलेशन का और वो शायद फिफ्टी हो शायद उससे ज़्यादा हो पंजाब में जहाँ पे प्रोविंस हमारा रिच प्रोविंस समझा जाता है फिर लेकिन फिर, वो बाकी फिफ्टी परसेंट जो है उनमें या ये वजह है कि वो उस टाइम पे स्कूल नहीं जा सकते आ, या ये वजह है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके वालदेन अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पेमेंट बच्चों ने अपनी आमदनी कंट्रीब्यूट करनी होती है आइसोल इस तरह के एक और बड़ी में मतलब ट्वेंटी थर्टी फोर्टी परसेंट यहां तक आ जाएगी आ, तो ये अगर हम कोई इनोवेटिव तरीका निकालें तो ये इस नेट में आ सकते हैं एजुकेशन के इसके बाद और भी दुश्वारियां हैं उनके लिए और सोचना पड़ेगा मसलन ये कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग नहीं है और बहुत दूर है लेकिन अमूमन वहाँ पे मोबाइल फ़ोन की पहुंच है उन जगहों तक भी या ये भी हो सकता है कि कुछ हैंडी हैं और वो इस वजह से उनके लिए आना जाना मुश्किल है तो ये होगी जो आपने कहा कि स्कूल नहीं जा, जा अमेरिका अच्छा, के, तो के, के अंदर भी 2007 का ये मैं से विकीपीडिया का देख रहा हूँ बीस लाख बच्चे ऐसे हैं टू मिलियन बीस लाख ही होंगे ना जिनको होम स्कूल कहा जाता है उनके पेरेंट्स जो हैं वो किसी वजह से मुख्तफ वजुहत हो सकती हैं वो इस्कूल नहीं भेजना चाहते वहाँ पर यह लिमिटेशन नहीं है कि वो बेचारे गरीब हैं या वो उनकी मुख्तलिफ़ वजूहत हैं मिसाल के तौर पर उनको कंसर्न है कि इस्कूल के इन्वामेंट ठीक नहीं है उनको इस बात का कंसर्न है कि वहाँ पर बोलीज होते हैं वो उनको बच्चों को तंग करते हैं उनको इस चीज़ का कंसर्न है कि वहाँ पर रिलीजस और मॉरल इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती कोई अगर मुसलमान है या अल्ट्रा यहूदी या क्रिश्चन है डिसट्सफेक्शन है एकेडमिक इंस्ट्रक्शन से उनको या कोई चाइल्ड की स्पेशल नीड्स हैं कोई फिज़िकल मेंटल प्रॉब्लम्स हैं या कोई और ऐसे मसाइल हैं कि वो समझते हैं कि हम उनको स्कूल नहीं भेजेंगे अब उनकी रेगुलेशन मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलफ है लेकिन वहां पर भी ये इसी तरह के मसाइल कि 20 लाख बच्चे जी। आ, ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे अब उनको वो होम स्कूल कहते हैं तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं इन बच्चों के लिए प्रॉब्लम नंबर वन कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं जी आ, दूसरा ये कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा सक रहे पाकिस्तान में उनको हम किस तरीके से आ, हम ये भी नहीं कर सकते हैं? देखें ये कानून बनाने से ये मसले हल नहीं हो सकते जी, जी बिल्कुल ये ये कहने से कि आप चाइल्ड लेबर खत्म कर दें वरना हम आपको उससे बात नहीं बने वो दिखाने के दांत होते हैं चाइना में मेरे ख्याल में उन्होंने ये किया है कि फैक्ट्री में भी बच्चे काम करते हैं और साथ उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप बहुत सी मुल्कों में अलग अलग किस्म की एक्सपेरिमेंट्स हुई हैं तो मसलन ये है कि फैक्ट्री में जो सिर्फ बच्चे नहीं जो एडल्ट्स जिनकी एजुकेशन किसी वजह से इंटरप्ट हो गई थी उन सब के लिए फैक्ट्री में आफ्टर आवर स्कूल होते हैं तो एजुकेशन वहां जाती है जहां पे बच्चे हैं ना के बच्चों को एजुकेशन की तरफ आना पड़े फिर ये होम स्कूल जो हैं आप बता रहे थे अमेरिका uh, में फॉर एग्ज़ाम्पल उनमें कई दफ़ा ये भी होता है कि करिकुलम मटीरियल स्टेट प्रोवाइड करती है वहां पर फेडरल गवर्नमेंट नहीं स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे भी पाकिस्तान में प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मटीरियल वो स्टेट प्रोवाइड करती है और स्टेट फिर uh, हफ्ते में एक दफ़ा या दो हफ्ते में या महीने में एक दफ़ा एक मोबाइल टीचर भेजती है वो इन सब को विज़िट करता है उनकी असेसमेंट करता है और जो uh, उनको घर पे वालदेन ही पढ़ा रहे होते हैं तो उनको फिर इंक्रेज करता है कि ये टेक, ये शॉर्ट कमिंग रहेगी इसको इस तरह पूरा करें इसको इस तरह पूरा करें तो आ, स्कूल जो मॉनिटरिंग है वो मोबाइल है और स्कूल घर पे ही है मटेरियल्स दिए हुए ये अमेरिका में आफकॉर्स एडवांटेज है कि वो अस्यूम ये कर सकते हैं कि पेरेंट्स एजुकेटेड हैं पाकिस्तान में शायद जरूरी जरूर नहीं है कि ये असम्शन भी हो लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि ये अभी आगे की बातें हैं आ, एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसा है जो जिनको ये होम स्कूलिंग की जरूरत नहीं है सिर्फ उनको फ्लेक्सिबल स्कूलिंग के स्कूलिंग वहाँ आ जाए जहाँ उनको काम करना है या मटेरियल्स वहाँ आ जाए जहाँ उनको काम करना है मेरे ख्याल में ये सेगमेंट भी मौजूद है और चूंकि वो एडल्ट तो उनके लिए जो कोर्स करिकुलम है वो भी इस किस्म का हो अच्छा इसमें एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये के... मैं जिन बच्चों की बात कर रहा हूँ वो वर्कशॉप में काम करते हैं किसी दुकान पे काम करते हैं मेरा उनके साथ इंटरेक्शन होता है वो अदरवाइज क्या कहना चाहिए कंप्यूटर या मोबाइल वो उसके उससे पूरी तरह वाकिफ है जी देर फंग एडल्ट जो कि सोसाइटी में फंक्शन कर रहे हैं तो उन्होंने स्किल्स तो बहुत सारी सीख ली हैं लेकिन क्योंकि एजुकेशन लिटरेसी नहीं है ख़ास तौर पे इसलिए वो सिर्फ बाय कॉपियन या सुनी सुनाई बात आ, एंटर हो सकती है वो खुद से सर्च नहीं कर सकते तो मतलब यह है कि उनको ये सारी एक्सपर्टीज़ हासिल है वो कंप्यूटर पे मैसेज भी वो मोबाइल पे मैसेज भी कर लेते हैं कंप्यूटर थोड़ा बहुत भी इस्तेमाल कर लेते हैं मोबाइल पे वो इंटरएक्टिव गेम्स भी खेल लेते हैं तो आ, मैं एक जगह ये रिसर्च देख रहा था कि ये जो जनरेशन हमारी पिछले पाँच साल में या दस साल में और आने वाले दस सालों में एडल्टूड को पहुंचेगी नेट जनरेशन हम इसको कह सकते हैं ये वो बच्चे हैं जिनके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा हमारे लिए कि जब हम इनको अगर हम कामयाब हो गए तो कि एजुकेशन करना चाहें तो ये वो बच्चे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक गेम्स खेलते आए हैं चाहे वो गरीबी क्यों ना हो वो किसी कैफे में बैठ के किसी दोस्त के मोबाइल के ऊपर फौरी इंटरेक्शन इनको बहुत पसंद होती है ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं अगर ये एक किताब बैठ के इस तरह से नहीं पढ़ सकते जैसा कि एक ऐसा बच्चा पढ़ सकता था जिसने आ, कभी इंटरक्टिविटी नहीं देखी थी उनको इंस्टेंट फीडबैक की जरूरत पड़ती है ये जनरली इंटरनेट जनरेशन का नहीं है ये अडल्ट टीचिंग में एक चैलेंज जनरली होता है जब बच्चों को आप कह सकते हैं कि चुप करके बैठो पाँच साल के बाद आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका फायदा नजर आएगा एडल्ट एजुकेशन का तो चाहे वो इंटरनेट जनरेशन हो या ना हो चैलेंज यह होता है कि उसी वक्त उसे उन्हें नज़र आना चाहिए कि इसका फ़ायदा क्या है तो वो एक्टिविटी उसका हिस्सा होती है तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दूसरी बात यह मेरे ख्याल में कि ये बल्कि इसको एक डिसएडवांटेज की तरह नहीं देखना चाहिए कि उनको इंटरएक्टिविटी की आदत है जरूरत है इसको एक एडवांटेज की तरह देखना चाहिए कि हम किस तरह एजुकेशन कैन बी अ गेम अगर ये डिजाइन प्रॉब्लम है इसको अपॉर्चुनिटी हम इसको सक्सेसफुली इंटरएक्टिव बना लें एजुकेशन को तो हमारा बल्कि काम आसान और हल्का बर्डन हल्का हो जाएगा तो ये इट्स अपॉर्चुनिटी तो ये गेम की जब आपने बात की गेम्स जो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक गेम्स आ रहे हैं कंप्यूटर गेम्स आ रहे हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड गेम्स आ रहे हैं वो तो शायद इन्होंने ना खेले हों लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लें आ, अपने मॉडल्स पे जाने से पहले कि ये एक बिल्कुल नई चीज़ है जो पिछले पंद्रह बीस सालों में शुरू हुई है कंप्यूटर गेम्स की और इसके बारे में लोगों को पहले ये ख्याल था कि शायद जो बच्चे कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं और ज़्यादा देर एडिक एडिक्टिव होते हैं ये तो उनका उनकी पढ़ाई पे असर पड़ता है उनकी इंटेलिजेंस पे असर पड़ता है लेकिन अब लोगों ने ये रिय, रियलाइज़ करना शुरू किया है कि उनके आ, उनकी इंटेलिजेंस उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती जाती है ये किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसमें से मैं आपको कोट करना चाहूँगा नाव यू सीट हम पहले भी इस किताब के बारे में जिक्र कर चुके हैं कैथे डेविडसम की किताब है ये इसमें मैं आ, कुछ थोड़ी बहुत कोटेशंस आपको पढ़ के सुनाऊँगा एल्बर्ट आइंस्टाइन की कोटेशन है कि गेम्स आर द मोस्ट एलिवेटेड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसके बारे में या से कुछ थोड़ा सा आप इसी की ये बात अब थोड़ी सीरियस हो गई है गेम्स के बारे में आम, देखें ये गेम पे डिपेंड करता है आइंस्टाइन जिन गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं वो दो आर फिलोसॉफिकल गेम्स तो ये फिलोसफी में बहुत से लोगों ने डिस्कवर किया है कि ऐसे सवाल जो कि इंट्रैक्टेबल लगते थे जो लगता था कि इनको काबू पाने का कोई तरीका नहीं है पहले तो उन्होंने नोटिस किया कि ये गेम्स के तहत इनको स्पेल आउट करके सिंप्लीफाई करके किया जा सकता है तो एक तो वो रेफरेंस है उनका फिर इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि जब आप एक्चुअल रियल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ मजेदार थिंकिंग चैलेंजेस होते हैं कुछ बड़े बोरिंग से प्रैक्टिकल चैलेंजेस होते हैं कि फंडिंग कहां से आएगी और ये कहां से आएगी जो कि नसरली इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग नहीं होते तो यह भी उनका मतलब यह है कि जो गेम्स हैं वो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्योरेस्ट फॉर्म है तो हमने एक जो असल जो मजेदार चीज थी प्रॉब्लम सोल्विंग जो इंटेलेक्चुअल होती है उसको अलग करके एक आर्टिफिशली एक चीज बना दी जिसको हम गेम्स कहते हैं जी ये मैक कॉनिकल को इसने कोट किया हुआ है कि शी एडवोकेट्स गेम्स फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ टीचिंग एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ लर्निंग इंसिस्टिंग दैट गेम मैकेनिक्स अप्लाई टू ऑल एक्शन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सोशल एक्शन शी एडवोकेट्स यूजिंग गेम्स टू टीच कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एन रिस्पॉन्सिबल एक्शन इन दर्ल्ड एंड शी होप्स टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट टू दर्निंग इसके बारे में प्लीज यहाँ से आप कुछ कहेंगे देखिए बहुत सी चीज़ें हैं मैं एक दफ़ा बाहर के स्कूल में गया और वहाँ पर बिल्कुल स्टैंडर्ड टीचिंग हो रही थी जो मेरे स्कूल में भी होती थी कि पहले कुछ पढ़ाया जाता था फिर एक क्विज लिया जाता था लेकिन वहाँ पर हमारे स्कूल में तो क्विज़ एक मतलब खतरनाक और खौफनाक चीज़ होती थी नंबर कमाएंगे फिर अम्मी को हथ लिख देंगे फिर सोटियां पढ़ेंगे होगा, होगा। हाँ, कौन कौन सी प्रॉब्लम सोल्व करेगा तो इट वॉज बिंग ट्रीटेड एज ए गेम हालांकि हो रहा था और बिल्कुल चीज वही हो रही थी जो यहां पर होती थी टेस्ट हो रहा था. लेकिन एटमोस्फियर वहां पर इट वॉज फन

खौफनाक चीज एक बड़ी मजेदार चीज बन गई है तो आ, ये बिल्कुल इसके अंदर हर 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 एलिमेंट में ये जा सकते हैं मैं मैथमेटिक्स की जो मैंने क्लास देखी थी वो मैथमेटिक्स टीच कर रहे थे कुछ किसी भी चीज में हो सकती है बिजनेस में तो ये काफी इस्तेमाल होते हैं आजकल जी बिजनेस में काफी में।, में अच्छा मैं दोबारा से कोट करूंगा मैकगोनिकल इज अ गेम डिजाइनर एंड अ सोशल इवेंजलिस्ट बिलीव्स दैट रियलिटी इज ब्रोकन एंड दैट द बेस्ट वे टू फिक्स इट इज बाय प्लेइंग गेम्स ये इसका कॉन्टेक्स्ट मुझे जानना पड़ेगा ये क्या आ, कह रहे हैं इसका कोई खास कॉन्टेक्स्ट नहीं वो कहता है कि रियलिटी बिल्कुल टूट गई है और अब अच्छा आगे अगर आप थोड़ा सा देखें तो फिर शायद आपको विद अ डी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया शी हैज हैड एपिक विंस इन डिजाइनिंग गेम्स फॉर बिजनेस द आर्ट्स द एंटरटेनमेंट सोशल कॉजेज एनवायरमेंटल पर्पजेज एंड पोलिटिकल मूवमेंट्स फॉर हर गेम्स आर द सोलूशन टू मेनी ऑफर प्रॉब्लम्स if we were all gamers we could cure a lot of problems in society she believes that if from infancy on we all played games as if our life depended on, on them especially multiplayer collaborative games we would learn that challenges never stop and that it is worth risking utter failure in order to have an epic win she believes that once you have experienced an epic win यू हैव द कॉन्फिडेंस टू बी फीयरलेस एंड अनस्टापेबल नॉट जस्ट इन द नेक्स्ट गेम बट इन द वर्ल्ड मेरा ख्याल है कि मसला मेरे खान एक दो सालों में पहली दफ़ा होगी इन दिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कि मेजरिटी ऑफ ह्यूमन बींगस आर लिविंग इन सिटीज उससे पहले ये कभी नहीं हुआ तो जो आदात हैं जो कल्चर हैं उनका वह अब शहरों में जो मसाइल हैं उसके लिए वो अप्रोप्रियट नहीं है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मसले बन रहे हैं जिनके बारे में सोचने के या आदात ऐसी नहीं है कि उन पर काबू पाया जा सके और गेम्स जो हैं अगर इन मसायर, जो मसाइल हैं उनको गेम्स की तरह ट्रीट किया जाए और गेम्स की तरह उनके चैलेंजेस की सलूशन शेयर हो और डिस्कवर हो तो मेरे ख्याल में ये एक सोशली ट्रांसफॉर्मिंग चीज़ सामने आएगी आ, तो ये मेरे ख्याल में ये इन इनका मिसाल भी इसी तरफ इसी तरफ है इसी तरह की हाँ, जो आपने बात की वो बिल्कुल सही है इसके आगे वो कहते हैं कि वर्ड विदाउट ऑयल ये एक गेम था आप आ, पाकिस्तान में भी ये सोच सकते हैं कि अगर किसी वजह से हमारा ऑयल बंद हो जाए विच इज़ अ रियल पॉसिबिलिटी जी जी हम हमारे पास पैसे ना हो उसे खरीदने के लिए या किसी वजह से हम बारगो लग जाए विच वॉज लॉन्च इन अप्रिल थर्टी टू थाउजेंड ऑन जून वन टू थाउजेंड सेवन इट इमेजिन द फर्स्ट थर्टी टू डेज ऑफ सेशन In the production of oil worldwide, over a hundred thousand players eventually contributed to the game, completing fifteen hundred complete scenarios, all with different global and local consequences. These scenarios are all archived and can be downloaded. They are so realistic and so well informed by research, experience, and the science of sociology and environmentalism that they are now used by education in courses at all levels and by policymakers who use them to train. For informed decision making, तो ये एक बड़ा मज़ेदार है इस पे आप अगर एक्सपर्ट हायर भी कर लें जी तो वो आपको ऐसे मज़ेदार सनेरियोज नहीं बना के देंगे जितना कि ये क्राउड सोर्सिंग की हम पहले भी बात कर कर चुके हैं तो आ, गेम्स की नाज्रीन हम बात कर रहे थे आ, अब हम आते हैं कि किस तरीके से ये जो हमारी एडल्ट पॉपुलेशन है चाहे वो स्कूलों में पढ़ रही है चाहे वो स्कूलों में नहीं पढ़ रही उनको किस तरीके से आ, गेम्स का हम एक एंगल रखेंगे हम साथ साथ के गेम्स की जो इंटरेक्टिविटी है इंस्टेंट फीडबैक है जो एक्साइटमेंट है इन चीज़ों को पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कोमल की कहानी में भी हमने यही जिक्र किया था उनको इस्तेमाल करते हुए हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं अच्छा इससे पहले कि मैं अपने मॉडल्स आपके सामने पेश करूँ हमारे मॉडल्स हम आप देखें मैं मुख्तलफ मॉडल्स जो इस वक्त बहुत सारे राइज हैं मैं उन, उनका जिक्र करना चाहूँगा पहला मॉडल तो हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी से शुरू कर देते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ना ये कैपेसिटी है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक वक्त में कैटर कर सकती है स्केलेबिलिटी है लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मॉडल क्या है हम आपके सामने ये लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहे हैं ये लेक्चर टी के ऊपर रिकॉर्ड होने के बाद ये नशर होगा मुख्तलिफ़ सेंटर्स में जिनका मैंने पहले ज़िक्र किया था जो हर आ, मुख्तलिफ मोहल्लों में मौजूद हैं पाकिस्तान में कराची से गलगत तक वहाँ बच्चे बैठ के वो टी वी देखेंगे या कंप्यूटर पर वो चीज़ देखेंगे वहाँ वो उनकी प्रेजेंस ज़रूरी है कुछ लोग घर पर भी पढ़ सकते हैं लेकिन आमतौर तौर पर उन वहाँ प्रेजेंस ज़रूरी है उनकी इम्तहान भी वो वहीं जा कर रजिस्टर करते हैं अपने आप को लॉगिन करते हैं और वहाँ उनका इम्तहान होता है अब जरा ये देखते हैं कि ये जो मॉडल है जो जिसमें ये कैपेसिटी है कि ये स्केल अप किया जा सकता है ये बाकी जो और मॉडल्स हैं दुनिया के उनसे कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आ, कितना एक्सपेंसिव है फ्यूचर में इसको किस तरह से इवॉल्व करने की ज़रूरत है जब यह हम यहाँ पे आते हैं रिकॉर्डिंग के लिए तो सबसे पहले हमारा मेकअप होता है और ये आपने शायद आपने तो नहीं देखा होगा लेकिन मैं आपको ये तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि बीच में भी हम पाँच दफ़ा इंटरप्ट करके हमें मेकअप करना पड़ता है हमारे पास तीन कैमरा हैं जो इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे कंट्रोल रूम की आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है जो मैंने आपको स्लाइड पे मैं दिखा रहा हूँ इसमें कंट्रोल रूम में जो प्रोड्यूसर हैं वो बैठ के इसको हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अगर कभी बीच में कोई गड़बड़ हो जाए हमें छींक आ जाए या कोई ऐसी बात हो तो वो उसे इंटरप्ट करके उसके बाद फिर ये कंट्रोल रूम से इनके प्रोसेसिंग रूम में जाता है और इसमें ये स्लाइड्स जो हम आपको दिखा रहे हैं ये इसमें ऐड होती हैं या फिर इसमें आप मुझे ये बताइए कि इसके इसकी पॉजिटिव चीज़ें है क्या हैं और इसकी नेगेटिव एस्पेक्ट इस मॉडल के ये ट्रांसमिट होता है और लोग इसको बैठ के देखते हैं और इम्तिहान फिर मिड टर्म होता है या कोईज होता है तो इंटरएक्टिविटी इसमें आ, इसकी कॉस्ट के हवाले से भी आप बताएँ अगर हम कोई चीज़ चेंज करना चाहें जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है थेरीज तब्दील होती रहती हैं वो कितना इफ़ेक्टिव ये हो सकता है यह है एक्साइटमेंट ये कितनी जनरेट कर सकता है फीडबैक ये कितनी जनरेट कर सकता है मेरा ख्याल है कि इसकी की एडवांटेज जो मेन गोल जो जिस प्रॉब्लम को ये मॉडल एड्रेस करने की कोशिश करता है वो ये है कि हमारे पास टीचिंग रिसोर्सेज और टेस्टिंग रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो एक यूनिवर्सिटी में मैं या आप पढ़ा रहे तो हो तो वो फिज़िकल स्पेस एक लिमिटेड सी होती है जब क्लासरूम में सौ नहीं तो दो सौ लोग आ जाएंगे तो उसके अलावा लोगों को हमारी एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाने का मौका नहीं मिलता तो एक की एडवांटेज इसका यह है कि उसको बहुत एक्सपेंड कर देती है कि हम रिकॉर्ड करें और रिकॉर्डिंग में फिर ये एडिशनल uh, कॉस्ट आती हैं कि एडिटिंग हो कैमरामैन uh, हो अपियरसिस के लिए लाइट्स हो मेकअप वगैरह ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं उसकी एडिशनल कॉस्ट हो जाती है लेकिन इस कॉस्ट का पे ऑफ क्या होता है मल्टीप्लायर ये होती है कि आप एक क्लासरूम में नहीं आप चालीस हजार छोटे छोटे क्लासरूम्स में uh, आवाज आपकी पहुंच गई तस्वीर भी तस्वीर भी पहुंच गई और फिर आ, एक और जो इसी से रिलेटेड है एक्सपर्टीज से examination instruments, कि एग्जामिनेशन इंस्ट्रूमेंट्स के आपने लेक्चर तो डिलीवर कर दिया आप कितना सीखा उन्होंने वो मेजरमेंट करनी है तो एग्जाम जहाँ अच्छे जहाँ पे टीचर इतने क्वालिफाइड नहीं होंगे वहाँ पे एग्जामिनेशन इंस्ट्रूमेंट्स भी वीक होंगे तो इन्होंने एग्जामिनेशन इंस्ट्रूमेंट्स भी सेंट्रलाइज कर ली कि वो गुड क्वालिटी एग्जामिनेशन इंस्ट्रूमेंट्स बने और वो सारे उन्हीं तीस चालीस हजार लोगों तक पहुंचे ताकि हम इम्पैक्ट मेजरमेंट भी कर लें कि कितने इम्पैक्ट कितना हुआ है। अब ये तो एडवांटेजेस हो गए आ, इसकी क्या है अब मैं आपको दो तीन मिसालें देता हूं अब क्लासरूम में आ, काफी दफा मेरे मैं जब लेक्चर दे रहा होता हूं रियल लाइफ क्लासरूम में तो मेरे स्टूडेंट्स ने कोई इंटरेस्टिंग सवाल पूछा तो लेक्चर जो है डिफ्लेक्ट हो गया क्योंकि उसी वक्त मैंने कहा कि ये क्लासरूम इस चीज में इंटरेस्टेड है अब मैं तो अपना लेक्चर ऑन द फ्लाई में चेंज कर लेता हूं तो मुझे भी फीडबैक मिलती है उनको भी फीडबैक इंस्टेंट मिलती है इस तरह की नहीं कि क्विज इंस्टेंट मिल जाए लेकिन कुछ थोड़ी बहुत फीडबैक मिलती रहती है फिर मैं तकरीबन हर साल अपना कोर्स कंटेंट तकरीबन सारे कोर्सेज की ही चेंज होती है कुछ कोर्सेज की एक दो तो साल तक चलती है लेकिन मैक्सिमम टू इयर्स इज हाउ लॉन्ग द कोर्स लास्ट उसके बाद उसके अंदर सब्सटैंशियल तब्दीलियां आ जाती हैं मेरा ख्याल है ये सिर्फ साइंस मैं तो साइंस पढ़ाता हूं लेकिन मुझे शुभ आया कि अगर मैं आर्ट्स ह्यूमैनिटीज भी पढ़ाता होता तो ये इतनी ट्रेंड इतनी तो टर्न ओवर इतना तो है तो इसके अंदर डिसएडवांटेज ये है कि ये क्योंकि जरा लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है ये रिकॉर्डिंग्स करना टेस्टिंग मटेरियल बना के रखना इसलिए टर्न ओवर अप टू डेट कोर्सेज जो हैं वो ज्यादा मुश्किल होते हैं यहाँ पे करने अब मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे इनका साइकिल क्या है यकीन कोई साइकिल तो होगा क्या फिर सारी कॉस्ट दोबारा लगानी पड़ेगी सारी सारी कॉस्ट दोबारा लगानी होगी बिल्कुल उसके अंदर ये आ, ये है तो ये है मतलब जो मुझे अभी सोचते हैं कि तो आपने बताया कि इंटरएक्टिविटी नहीं है इंस्टेंट फीडबैक नहीं है टीचर को भी नहीं है स्टूडेंट्स को भी नहीं है कोलाब्रेशन भी नहीं है वो वो तो खैर हम जो रेगुलर हमारी क्लासेस होती हैं स्कूलों में या कॉलेज में वहां पर भी नहीं वहां वहाँ पर नहीं है लेकिन कलेबरेशन uh, जो है वो एक वेरिएबल है और एक बड़े वेरिएबल जिसको मैं सोशल इंगेजमेंट कहता हूँ अब क्लासरूम में एक दूसरे से मतलब कंपटीशन भी हो जाता है कलेबरेशन भी हो जाती है शोइंग uh, ऑफ भी हो जाती है हम ह्यूमन बीइंग्स हमें बिल्ट इन नीड टू शो आर स्टेटस है मतलब ये अब जैकेट पहन के लोग फिरते हैं किसी वजह से तो वो सारी चीजें जो है वो इन अ सेंस मोटर हैं ऑफ मोटिवेशन ऑफ लर्न मो मोटिवेशन टू लर्न तो वो सोशल एलिमेंट जो है एक कम्युनिटी कम्युनिटी ऑफ ऑफ लर्नर्स लर्नर्स का जो कि जितनी भी सोशल मोटिवेशन होती है जो एजुकेशन की तरफ जाती है इन दैट सेंस इसमें वो थोड़ी सी कम होती है लोअर डाउन होती है हालांकि वहाँ सेंटर्स में होती होगी मुझे मैं विजिट नहीं किया मैंने लेकिन मुझे शुभ है कि सेंटर्स में जब लोग एग्जाम्स के लिए इकट्ठे होते हैं वगैरह वगैरह तो थोड़ी बहुत तो होती होगी लेकिन आ, वो रिलेटिवली कम होती है और ये इस ये एक्चुअली मुझे काफी कंसर्न इसके बारे में रहता है क्योंकि जो डेटा है वो यही बताता है कि रियल यूनिवर्सिटी मतलब फिजिकल रियल मतलब वर्सेस वर्चुअल नॉट रियल एज इन रियल यूनिवर्सिटी के अंदर आपका सक्सेस क्राइटेरियन का बिगेस्ट प्रेडिक्टर यही है कि हाउ मच एजुकेशन हैज एंटर्ड इनटू द सोशल कम्युनिटीज एक्टिविटीज़ uh, सबसे सब ज़्यादा प्रडिक्ट वही करता है ना ना आपकी एंट्री ना आपका जी पी ए कोई चीज़ ऐसी प्रिडक्ट नहीं करती कि आपके स्टूडेंट्स कितने ट्रांसफॉर्म होकर निकलेंगे कि वो जब बाहर निकलते हैं फील्ड में तो वो किसी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कितने अच्छे हैं वो कॉलेबरेट कितना कर सकते हैं वो कैसे कितना कर सकते हैं वो मिलकर इनोवेट कितना कर सकते हैं ये चीजें आपके ख्याल में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इसके लिए सोशल प्रेजेंस की बहुत सोशल अच्छा, ये ये हम साथ, साथ डिस्कस कर रहे हैं अब इसके अलावा हम दूसरे मॉडल डिस्कस करेंगे लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे मैं आपसे इंटरप्ट करूँ साइंड साउंड बाइट में दे दूँ इसको इसको किसी ने कहा था कि दे इज अ डिफरेंस बिटवीन समडडिंग इंजीनियर एंड सम एन इंजीनियर तो अगर सोशल और कहते हैं अगर ये सोशल एस्पेक्ट हो तो स्टडिंग इंजीनियरिंग से ट्रांसफॉर्म हो जाता है बिकमिंग एन इंजीनियर एंड दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो आपने बताई वो आती हैं जी आ, तो नाजिन मैं ये एक और ई बुक है उसको कोट करना चाहूंगा चाहूँगा ये मैं लेना चाह रहा था लेकिन आ, ये इनकी किंडल की पॉलिसीज ये हैं कि ये किताब मिडल ईस्ट में बेचने को तैयार नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये किताब नहीं आ सकती किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली इस किताब का नाम मैं आपको देता हूं ये हार्ड कॉपी मैं मंगवाना चाहूँगा ये इसी बारे में थी जो हम बात अभी कर रहे थे कि गेम स्टॉर्मिंग के बारे में थी किताब अच्छा इसमें इसमें ज़िक्र किया हुआ है वही जो हम बात कर रहे थे कि सोशल प्रेजेंस और कम्युनिटी प्रेजेंस की किताब का नाम आपको नजर आ रहा है इस वक्त स्लाइड के ऊपर ये एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल से शुरू करता है कि एक बच्चा जो है वो गेंद से खेलना चाह रहा है उसे गेंद से खेलना बहुत अच्छा लगता है फुटबॉल से खेलना बहुत अच्छा लगता है उसको किक मारना बहुत अच्छा लगता है वो जब वापस अच्छा पहले वो सोच रहा है बैठ कर कि मैं आ, मुझे अगर फुटबॉल मिल जाए तो मैं उससे कैसे खेलूंगा अब ये ये वो हिसाब किताब है जो उसका आ, उसके अंदर का एक पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है कि वो अभी बैठ के सोच रहा है उसके बाद आप अंदाज़ा करें कि फुटबॉल उसको मिल जाती है जब फुटबॉल उसको मिल जाती है तो वो किसी पार्क में चला जाता है और वहाँ वो किसी दीवार के साथ उसको मारता है वो वापस आती है यहाँ उसकी इंटरेक्शन शुरू हो जाती है वो जो ऑब्जेक्ट है फुटबॉल उसको आप एक लर्निंग ऑब्जेक्ट के तौर पे भी ट्रीट कर सकते हैं कि पहले तो वो कोई कॉन्सेप्ट सिर्फ पढ़ रहा था अब उस कॉन्सेप्ट के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है और उसकी जो बॉडी मोशंस हैं उसका जो दिमाग है वो सब मिलके जब वो रीबाउंड होती है और वो उसको दोबारा से एक दीवार पे मारने की कोशिश करता है इस तरह से कि वो रीबाउंड होके वापस आए और वो उसको फिर दोबारा से मा... ये ना हो कि वो रीबाउंड होके किसी ऐसी जगह चला जाए जहाँ उसको भागना पड़े उसको लाने के लिए तो यहाँ पर एक और तरह की इंटरक्टिविटी और लर्निंग शामिल हो गई है अच्छा यहां तक भी जो उसका एक्सपीरियंस है जो पहले सोचने का एक्सपीरियंस था उसमें इंटरेक्शन नहीं थी वो सिर्फ अपने जहन से सोच रहा था कि मैं फुटबॉल होगी उसके साथ इस तरह इंटरेक्ट करूंगा, तो उसकी डायनेमिक्स क्या होगी मैं जब उसको इतने ज़ोर से मारूंगा, तो वो कितने ज़ोर से जाके दीवार से लगेगी ये जो उसकी सोच थी जब उसने प्रैक्टिकल करना शुरू किया तो उसमें काफ़ी डिस्क्रिपेंसी होगी उसके जहन ने उसको एडजस्ट करने की कोशिश की तो बॉडी और जहन की जो आपस की वो थी वो सारे की सारी लेकिन अभी तक ये अगरचे इंटरेक्टिव तो हो गया उसका लेकिन अभी तक ये एक्सपीरियंस उसका पर्सनल एक्सपीरियंस था अब उसको पार्क में एक और बच्चा मिल जाता है और वो बच्चा कहता है कि चलो हम मिल के एक खेल करना शुरू करते हैं हम एक हम एक निशान बना लेते हैं कि उसके आस अगर कोई गेंद एक मार सकता है उसको दीवार पे तो उसको एक पॉइंट मिल जाएगा या हम इतनी ऊंची ये फुटबॉल उछालना चाहते हैं किक मार के अगर ये फलाँ दरख्त को छूलेगी तो उसको एक पॉइंट मिल जाएगा अब जब उसकी इंटरेक्शन शुरू होती है तो ये लर्निंग का एक बिल्कुल नया सिलसिला शुरू हो जाता है इसमें एक कंपटीशन वाली बात भी आ जाती है इसमें ये चीज़ भी आ जाती है कि वो उस बच्चे को भी साथ देख रहा है कि वो किस तरीके से उस गेंद को किक कर रहा है और मैं जब किक करता हूँ तो ये इस तरह से होता है वो जब किक करता है तो वो इस तरह से हो जाता है अब ये दो बंदे मिलके आ, एक लर्निंग एनवायरनमेंट जो आपने कहा सोशल प्रेजेंस का अभी भी बड़ा लिमिटेड है अब आप देखें कि अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें कि एक फ़ुटबॉल की टीम इधर है और एक फुटबॉल की टीम इधर है अब वो फुटबॉल की टीम्स बन गई हैं ये एक गेमिंग एनवायरमेंट बन गई है जो रियल लाइफ से मुख्तलिफ है इसके रूल्स ऑफ द गेम रियल लाइफ से मुख्तलिफ है जब वो लोग गेम खेल रहे होंगे तो आप यकीन करें कि उस वक़्त वो किसी और चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे होंगे वो बिल्कुल महव हो के सोच गेम खेल रहे होंगे और उनका मकसद हर सूरत में ये होगा आम जिंदगी से बिल्कुल डिटैच हो जाएंगे उनके माइंडस भी बॉडीज भी डिटैच थे माइंड्स भी डिटैच हो जाएंगे उनको ये भूल जाएगा कि कल मैंने बिजली का बिल अदा करना था या मेरी अम्मी ने मुझसे कहा था कि तुम ये काम घर का कर देना वो मैंने किया कि नहीं किया वो सब चीज़ें भूल के बिल्कुल डिटैच होकर उनके नज़दीक ये होगा मकसद कि किसी तरीके से मैं जो दूसरी टीम है उसको हराने की कोशिश करूँ लेकिन मैं अकेला उसे मिल मिलके नहीं हरा सकता अकेला रह के मैं नहीं मुझे कोलाबरेट करना पड़ेगा मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा मुझे इनोवेट करना पड़ेगा कि मैं अगली टीम से दूसरी टीम से किस तरीके से आगे चल सकूं। तो ये जो मिसाल है ये इस किताब में बड़े मज़ेदार तरीके से बयान की है कि किस तरीके और वो कहते हैं कि रियल लाइफ में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है आप जो गोल्स हासिल करना चाहते हैं आपके पर्सनल गोल्स भी होंगे लेकिन आपकी कॉरपोरेशन के गोल्स भी होंगे आपकी कंपनी के गोल भी होंगे आपकी यूनिवर्सिटी के गोल्स भी होंगे आपकी सूबे की हुकूमत के आपके मुल्क के गोल भी होंगे उन सब में ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि आप एक टीम स्प्रिट के साथ इनोवेच इनोवेशन कर सकें कॉलेब्रेशन कर सकें कम्युनिकेशन कर सकें इसके बारे में यासिर प्लीज़ इस खास तौर पे इस फुटबॉल के एग्जांपल के बारे में कुछ बताइएगा बहुत अच्छा मेटफ़र है ये और मेरे ख्याल में, में आम, देखें आम, हर टीचर जो है जो क्लासरूम में जाता है वो एक करिकुलम डिलीवर करने जाता है ये मेटाफर लेकिन हम कई दफ़ा करिकुलम डेवलप करने में इतने महव हो जाते हैं कि हम उसको पीछे हट के एज एन ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते कि ये एक एलिमेंट है इसके साथ हम और क्या कर सकते हैं तो ये मेटाफर बहुत अच्छा है कि अब हम ठीक है करिकुलम तो हो गया कि ये चीज़ मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाना है अब इसके अंदर मैं लवाजमात और क्या डाल सकता हूं तो आप एक गेम सोच सकते हैं जो इंडिविजुअल स्टूडेंट uh, उस पर प्रैक्टिस करे आप एक गेम सोच सकते हैं जिसमें दो स्टूडेंट्स आपस में मिलकर प्रैक्टिस करें और एक गेम आप सोच सकते हैं जिसमें पूरी क्लास प्रैक्टिस करें ख्याल में ये टीचर्स के लिए के जो चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट हैं उनके अंदर किस तरह सोचना चाहिए कि टूल किट में क्या ऐड किया जाए तो ये ज़्यादा इफेक्टिवली ट्रांसफर होंगे बहुत बहुत मजेदार मेटेफर है अगर हर लेक्चर से पहले एक कॉन्सेप्ट के बारे में हम ये सोच के जाए कि मैंने कौन सी गेम खेलानी है दीवार के साथ फुटबॉल खेलना या ग्रुप के साथ या दो बंदों के साथ इन हर एक के अलग अलग एडवांटेजेस हैं ये वही जो मैंने बात की थी ना कि स्टडीइंग इंजीनियरिंग वर्सेस एन इंजीनियर बीइंग इंजीनियर का मतलब है कि आपकी आइडेंटिटी ही वो चीज है तो आइडेंटिटी के लिए तो इंसान कुछ भी कर सकता है तो अगर और इनका क्लेम यह है कि ये गेम कलेबरेशन कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स डाल दिए जाए तो इस तरह एक डिसिप्लिन एक बॉडी ऑफ नॉलेज जो है चाहे वो मैथमेटिक्स से कुछ भी हो वो आइडेंटिटी के अंदर एंटर हो जाता है और फिर वो आप यू कॉल आई एम नॉट स्टडिंग इंजीनियरिंग आई एम एन इंजीनियर और आप सब कुछ जो करते हैं वो उसी में करते हैं तो, आ... तो अब अगर हम वीयू मॉडल को देखें तो उसमें आ, आप देखें कि क्या नाजरीन आप खुद ही दाता कर सकते हैं कि ये मॉडल अच्छा इसके इसके साथ जो दूसरा मॉडल में कंपेयर करना चाहूंगा ये खान अकेडमी अच्छा अब खान अकेडमी को अगर हम कंपेयर करें वी के मॉडल के साथ तो इसमें वही बातें जो हम कह रहे थे इंटरएक्टिविटी फीडबैक स्केलेबिलिटी कॉस्ट तो इसमें आप ये देखें कि जो टेक्नोलॉजी इसमें इन्होंने इस्तेमाल की है वो आ, कोई वीडियो कैमरा इस्तेमाल नहीं किया आ, एक बंदा एक बंदा और अब तक जितनी वीडियोस इसमें बनाई गई हैं लैब्स ऑफ स्टूडेंट्स को ये कैटर कर रहे हैं हज़ारों सब्जेक्ट्स हैं वी से बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं जो ये पढ़ा रहे हैं अब तक उन सब में एक ही बंदे ने पढ़ाने की कोशिश की है और जो वाहिद टेक्नोलॉजी उसने इस्तेमाल की है वो एक लैपटॉप था और उसके साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पेन था जो वो इस्तेमाल कर रहा था आ, इसके बारे में आप आ, अगर थोड़ा सा बता दें इनका इम्तहान लेने का सिस्टम जो है वो वी यू से थोड़ा सा मुख्तलिफ है वो ये कि वी यू में तो फॉर्मल तरीके से इम्तहान होते हैं उस वक़्त फिर आप बाकी चीज़ें नहीं कर सकते इनका इम्तहान तर... लेने का तरीका यह है कि ये तो कोई डिग्री नहीं देते वी यू वाले तो डिग्री देते हैं फॉर्मल डिग्री जैसे और यूनिवर्सिटी खान खानकदमी वाले कोई डिग्री नहीं देते और ये इस चीज़ पे स्ट्रेस करते हैं कि हम कोई डिग्री नहीं देते हम ये कहते हैं कि आप किसी भी सिस्टम में पढ़ रहे हों किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो अगर आप हमारे इम्तिहान में बैठे हैं, जो आप किसी वक्त भी बैठ सकते हैं और मुफ्त बैठ सकते हैं अच्छा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सल्यूटली तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितना आ, अपने आप को कहाँ प्लेस करते हैं अगरचे जो खान अकेडमी की वीडियोज़ हैं जो यूट्यूब पर भी पढ़ी हुई हैं वो वो इंटरेक्टिव नहीं है मतलब वो तो आप बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे वर्चल यूनिवर्सिटी की हैं अगरचे वो इतनी खूबसूरती से नहीं बनाई गई जो लिखाई है वो इतनी खूबसूरती से नहीं की गई ग्राफिक डिज़ाइनर को इन्वॉल्व नहीं एक बंदा अपने पेन से पढ़ाने की कोशिश कर रहा है फ्री हैंड में लिख रहा है वही है सारा कुछ उसमें कोई मेकअप नहीं है उसका उसकी शक्ल नज़र ही नहीं आती ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या शक्ल आना ज़रूरी है या नहीं उसकी आवाज़ आपको सुनाई देती है जो रिकॉर्डिड आपको तो इसमें लेकिन इम्तिहान उनका मैंने आपको बताया कि वो इम्तिहान में कोई बच्चा भी इम्तिहान में जा सकता है उसको फौरी तौर पर ये फीडबैक फौरी तौर पर ये फीडबैक मिल जाएगी कि उसी वक्त इम्तिहान होगा उसी वक्त उसका रिज़ल्ट उसको मिल जाएगा कि तुम्हारे रिजल्ट क्या है तुमने कितने सवालों के सही जवाब दिए तुम रिव्यू भी कर सकते हो रिवाइज भी कर सकते हो अपना इम्तिहान जो तुमने इम्तिहान दिया था और साथ ही वो ये बता देंगे कि यहाँ तुम्हें वीकनेस है तुम फला वाली वीडियो जाके देख लो तो ये जो इंस्टेंट फीडबैक का जो एक ज है एक फैसिलिटी है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में नहीं है आप इसके बारे में कुछ कॉमेंट करेंगे खान अकेडमी के बारे में भी ये वही वीकनेसेस हैं जो इन पार्ट वी यू ने जिसको एड्रेस करने की कोशिश की है कि क्वालिटी ऑफ टीचर्स शायद क्वालिटी टीचर इतने नंबर में हमारे पास नहीं है कि हम जगह जगह फिजिकल लोकेशन में करें अमेरिका की बात हो रही है अमेरिका की बात हो रही है बिल्कुल आ, तो एक टीचर जो कि जिसने बहुत फोकस किया है वेरियस डिसिप्लिन में जिसका टीचिंग एक्सपीरियंस कोई नहीं था इसका टी... देखें टीचर का एक्सपीरियंस uh, और क्वालिटी के साथ ताल्लुक होना तो चाहिए लेकिन मेरे ख्याल में इतना नहीं है जितना है बहर तो इज एफेक्टिव कम्युनिकेटर ही इज़ एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर खान सलमान खान जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं तो उन्होंने ये अपने डिलीवरी पैकेज बनाए मेरा ख्याल है कि उनको थोड़ा सा एडवांटेज ये था आ, वो अस्यूम ये करते हैं जो जिन जिन जिस पॉपुलेशन को वो रीच करने की कोशिश कर रहे हैं उनका थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि उनके पास आ, वो अस्यूम करते हैं कि होम कंप्यूटर्स हों या कंप्यूटर्स के पास एक्सेस हो तो व्यू ये अस्यूम नहीं करती पाकिस्तान के बारे में इसलिए जगह जगह सेंटर्स बने के जिनके पास होम कंप्यूटिंग या टेलीविजन घर पर टेलीविजन देख, देखने की सहूलत नहीं है वो आके इन सेंटर से और कंप्यूटर भी वहां कंप्यूटर भी वहां पे तो ये एक डिफरेंस हो गया उनकी असामशन में फिर उन्होंने इंस्टेंट फीडबैक जो खान एकेडमी देती है जो कि व्यू का इतनी इंस्टेंट फीडबैक नहीं होती और उस तरह वो लेक्चर से लिंक्ड नहीं होती आ, ये शायद आ, खान एकेडमी का कह लें कि एक एडवांटेज है मैं ज़रूरी नहीं समझता कि हर सब्जेक्ट में या हर वक्त ये एडवांटेज हो आ, ये एक बहुत आइडिया है कि नॉलेज सेगमेंट्स और पीसेज में आती है और आपको ये पीस नहीं आता तो आप उस पीस को जाके उठा के सीख लें जबकि मेरे ख्याल में इंटर को स्ट्रेस करना कि ये मसला कई दफा एक पीस से नहीं होता पीसेस के दरमियान कनेक्शन से होता है बहर ये ये एक डिबेट है, है जो जारी रख सकते सको चेंज करना जी वो बहुत आसान है जी और उसमें कोई कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ती बनाने में भी कोई कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ती मेरा ख्याल है कि ये कॉस्ट थोड़ी सी हिडन है इसके अंदर कॉस्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट शायद ना हो आ, या प्रोडक्शन की अपीयरेंस ये है कि इट्स कॉस्ट फ्री लेकिन इतनी कॉस्ट फ्री नहीं है मेरा जाती है ख्याल अब डिसएडवांटेजेस की तरफ आए इसके तो आ, एक तो ये जिस तरह मैंने कहा कि ये बिल्कुल क्लास के जो सोशल एलिमेंट्स हैं उनसे रिमूव कर देती है आपको आ, और बल्कि ये उनकी नोटिस करें कि ये वो खुद ही कह रहे हैं कि हम रियल क्लासरूम को सप्लीमेंट कर रहे हैं हालांकि खान साहब कई दफा ये भी कहते हैं कि हम रिप्लेस कर देंगे लेकिन मेरा जती ख्याल है कि वो सप्लीमेंट कर रहे हैं वो रिप्लेस ना उनका कोशिश है रिप्लेस करने की और ना वो कर सकेंगे अगेन मुझे अपना अपना ओपिनियन देखें मेरा ख्याल है कि ये क्योंकि वो इस फील्ड में इनोवेटर थे तो उन्होंने एक मार्केट सेगमेंट बनाया है कि ये काम इस तरह के काम हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट आप तो कह रहे हैं मार्केट मैं इसलिए कह रहा हूं एक्सचेंज होता है आप टाइम पैसे नहीं देते लेकिन टाइम तो एक्सचेंज करते हैं ना आप तो मैं वो वो एक घंटा में कुछ और कर रहा हो सकता था लेकिन मैंने इसने मुझे कैप्चर कर लिया मेरा टाइम तो इन्होंने मार्केट क्रिएट किया लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इनकी जो प्रोडक्ट है वो इस सेगमेंट में लास्ट वर्ड है या इससे बेहतर काम हो ही नहीं सकता मेरा ख्याल है उनके पास जिस तरह अब क्या था वो नेटस्केप एक ब्राउजर होता था जब पहले पहले तो सारी दुनिया नेटस्केप देखती थी अब कोई नामो निशान ही नहीं है नेटस्केप का खत्म हो गया वो तो वो उन्होंने पहल... क्योंकि पहली एंट्री उन्होंने मारी थी इसलिए पता चल गया अब सारी दुनिया को पता है कि भाई इस तरह काम बड़े मजेदार हो सकते हैं अब जिस तरह जिस तरह और लोग आएंगे और वो और मॉडल्स उसमें अप्लाई करेंगे वी का मॉडल है और तरह के वी तो खैर पाकिस्तान स्पेसिफिक है लेकिन इस तरह के और मॉडल्स जब आएंगे तो हम देखेंगे कि वेदर वेदर दिस खान अकेडमी मॉडल इज द अल्टीमेट थिंग और वेदर कुछ ऐसे लोग महसूस करेंगे कि ये नई प्रोडक्ट जो आई है ये जो खान अकेडमी करती है वो भी करती है और कुछ और भी है मिसिंग जो हमें इस नई प्रोडक्ट से मिल रहा है तो आई थिंक ये मार्केट आगे लॉन्ग टर्म देखना होगा कि ये लेकिन सेगमेंट अच्छा आइडेंटिफाई किया है दूसरी तो बात इंटरेस्टिंग है कि ये नॉर्मलाइज है आपको वो उनके पास डेटा है पूरे पॉपुलेशन का और वो आपको आपका स्कोर बता के कह देते हैं कि आप यहाँ पे स्टैंड करते हैं तो वो भी इन यूजफुल इन्फॉर्मेशन है प्योर नंबर से बेहतर इन्फॉर्मेशन है सौ में से नब्बे आए तो एक बात है अगर सौ में से नब्बे आए लेकिन आपको पता चले कि आप बॉटम टेन परसेंट में हैं, तो वो एक और इन्फॉर्मेशन है तो वो भी तो हम ये चाहेंगे कि ये और ज्यादा इंटरेक्टिव और ज्यादा तो हम ये चाहेंगे कि पढ़ाने का जो आ, जो रिकॉर्डिंग हम देख रहे हैं खान अकेडमी की या व्यू की उसके अंदर ही बिल्ट इन हो बिल्कुल उसके अंदर बिल्ट इन हो कि हम इंस्टेंट फीडबैक भी उसके अंदर हो आ, छोटा मोटा इम्तिहान भी उसके अंदर हो कम्युनिकेशन और कोलाब्रेशन भी उसके अंदर किसी तरह से अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्वायरी क्रिटिकल थिंकिंग ये सारी चीज़ों को अगर किसी तरह जो इसमें नहीं है और ये बहुत बड़ी मेरे ख्याल में शॉर्टकमिंग हो सकती है इसकी तो नाजिन ये आ, अब हम आ, हमारा आज का एपिसोड ख़त्म होता है अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जिक्र करेंगे कि हम क्या मॉडल प्रपोज़ कर रहे हैं और उन मॉडल को प्रपोज करने के आ, क्या इस्टैंडर्ड्स हो सकते हैं जिनके तहत हम आ, इस वक्त कोलाबरेटिड लर्निंग ई लर्निंग ब्लेंडेड लर्निंग इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है पिछले पाँच सालों में और उन्होंने ये स्टैंडर्ड बना लिए हैं जिनका कुछ थोड़ा बहुत हमने जिक्र किया जिसमें से सोशल प्रेजेंस एक चीज़ थी इसके अलावा जिन स्टैंडर्ड्स का वो जिक्र करते हैं जिसकी बेसिस पर किसी भी मॉडल को वीजू का मॉडल खान अकेडमी का मॉडल या और जो हम मॉडल प्रपोज करेंगे उनको आप जज कर सकते हैं कि बेहतर हैं या ख़राब हैं उसमें एक तो मॉडल हमने डिस्कस किया सोशल प्रेजेंस का इसके अलावा वो कहते हैं कि सोशल प्रेजेंस के साथ साथ टीचिंग प्रेजेंस होना भी बहुत ज़रूरी है कि उनको ये महसूस हो रहा हो कि कोई उनको सुपरवाइज़ करने की कोशिश कर रहा है ये किसी हद तक पॉजिटिव भी हो सकता है किसी हद तक नेगेटिव भी हो सकता है एक यानी बिल्कुल सर पे खड़े होना ये तो ख़ान एकेडमी में ही उसने महसूस कर लिया था कि जब उसने अपने कज़ंस को पढ़ाना शुरू किया था और ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था तो उन्होंने एक एतराज़ उस पर यह किया था कि इस्टेट के टाइम मुख्तलिफ होते थे तो एक तो इनकनवीनियंस होती थी उनको दूसरा ये होता था कि उन्होंने ये कहा कि आप रिकॉर्ड करके डाल दें और हम खुद ही देख लेंगे इसलिए कि जब आप ऑनलाइन हमें करवा रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे आप हमारे सर पे खड़े हैं और हमारे लिए एक ये महसूस होना कि कोई हमारे हमारे सर पे खड़ा हुआ है चाहे वो हमारा अंकल क्यों ना हो और हम कोई गलती कर रहे हैं तो हमें एम्बेरसमेंट का एहसास होता है वो ठीक बात नहीं है तो आ, टीचिंग प्रजेंस होनी चाहिए लेकिन वो टीचिंग प्रजेंस किस वजह से होनी चाहिए और कौन सी वाली टीचिंग प्रजेंस नहीं होनी चाहिए सोशल प्रेजेंस होनी चाहिए लेकिन सोशल प्रेजेंस ऐसी होनी चाहिए जिसमें सबको आज़ादी हो सबको आज़ादी हो अपने आप को एक्सप्रेस करने की आ, अगर कोई आपको बड़ा ही अजीब आइडिया आ रहा है बहुत ही आ, लगता है स्टूपिड आइडिया आ रहा है तो आप उसको भी एक्सप्रेस कर सकें हो सकता है वो आइडिया हमारे माशरे के कई मसलों को सॉल्व कर सके इसलिए कि माशरे के प्रॉब्लम जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं इनको उन तरीकों से सॉल्व नहीं किया जा सकता जिन तरीकों से पहले लोगों ने सोचा है इसे सॉल्व करने का बाज़ तरीके ऐसे होते हैं इनोवेटिव के वो तो लोग वैसे ही छोड़ देते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता बाद में हमें एहसास होता है कि वो तरीका जिसके बारे में सबका ये ख्याल था कि ये तो वो यूनिवर्सिटीज में खल में इंस्टीट्यूशन बनाए ही इसलिए गई थी कि जिनको ऊट तरीके कहेंगे वो एक जगह एक्सपेरिमेंट आराम से कर लें और वो आपस में डिसाइड कर लें कि ये मुफीद है और फिर वो वहाँ से छोड़ दें यूनिवर्सिटी से दुनिया में तो ये तो यूनिवर्सिटी का मतलब ही है जी और तीसरा जो स्टैंडर्ड इन्होंने ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर या ऑनलाइन on, लर्निंग के अंदर या ई e लर्निंग के अंदर बनाया हुआ वो है काग्नेटिव प्रेजेंस कि आपकी सोशल प्रेजेंस भी हो गई सोशल प्रजेंस में ये चीज़ें भी आ जाती हैं जैसे यासिर ने कहा कि आप आपस में आ, मुझे याद कागनेटिव प्रजेंस ये होती है कि सोशल प्रजेंस और टीचिंग प्रजेंस को इस्तेमाल करते हुए अब वो बच्चे जो हैं वो मिलके किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो आपको मैंने शायद ये वाक्य पहले भी सुनाया था तो उसमें आ, हमारा ज्योमेट्री का क्लास थी उसमें थ्योरम प्रूव करने थे आ, मैं मॉनिटर था तो चूंकि मैं चेक करता था तमाम के पेपर मेरा पेपर हमारे मास्टर साहब चेक करते थे उन्होंने जब मेरा पेपर चेक किया तो मेरे पूरे मार्क्स थे एक और स्टूडेंट जो मेरे साथ था मैंने आपको शायद यह वाक्य नाजिन पहले भी सुनाया था लेकिन इस वक्त ज़रूरी है कि मैं दोबारा उसे दोहरा दूँ कि उसने जिस तरीके वो मैंने चेक किया और उसको ज़ीरो नंबर दिया इसलिए कि उसने प्रूव करने के बजाय उसको डिसप्रूव कर दिया था तो उन्होंने जब वो पेपर वापस किए तो उन्होंने उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि मैंने रट्टा लगाया हुआ था उसने तो समझ के किया था अगरचे गलत कर दिया तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि अच्छा तुम जाके बैठ जाओ इसके साथ और ये समझने की कोशिश करो कि इसने गलती कहाँ पे की थी सटल मिस्टेक की थी बड़ी अच्छा अब जब मैंने उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की तो जिस तरह से मुझे उस वक़्त समझ आई वो बिल्कुल मुख्तलिफ था जो मैंने क्लास रूम में लेक्चर जब हो रहा था जब समझने की कोशिश की थी या जब मैं घर पे गया था मैंने उसको रट्टा लगाया था या मैंने उसको समझा था जिस तरह से भी समझा था जो मेरी लर्निंग थी जो मेरी मीनिंगफुल लर्निंग थी उस वक़्त जब मैं उसके साथ बैठ के ये कोशिश कर रहा था ये देखने की कोशिश कर रहा था कि उसने ग़लती कहाँ पर की तो वो एक और ही तरह की लर्निंग थी इसको आप क्या कहेंगे भी ये तो जो सोशल प्रेजेंस और एक्सचेंजेस के अंदर जो बहुत सी इस तरह के फ़ायदे होते हैं कि आपने एक तरह एक कॉग्निटिव सीरीज में आपने सोचा जब दूसरे ने किसी और तरह से सोचा और आप जब कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करते हैं तो आपको बहुत सी आइडियाज़ की वैरायटी कॉन्सेप्ट्स के अच्छा ये कॉन्सेप्ट मैं इस तरह समझ रहा था इसकी एक्चुअली रेगुलरिटीज के अंदर कंपोनेंट्स ये ये हैं इस तरह के बहुत से एडवांटेजेस आते हैं और फिर लोगों के प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके भी अलग अलग होते हैं उनसे एक दूसरे से एक्सपोजर होना कि वो किस तरह सोचना प्रॉब्लम सॉल्व करने का सोच रहा है मैं किस तरह सोचता हूँ ये सब जो है ये यही तो सारा इसी से तो सारा काम आता है लेक्चर में तो हम बहुत सादा सा मटेरियल एक डिलीवर करते हैं ये जब फुटबॉल टीम टीमें जब खेलती हैं तो फिर तो नॉलेज एनरिचमेंट जो होती है वो दैट इज दैट इज द की गोल और ये दैट इज द प्रॉब्लम द चैलेंज फॉर मेनी डिस्टेंस लर्निंग मॉडल्स मैं फिर एम्फोसाइज करूंगा कि खान एकेडमी को एडवांटेज ये है कि वो एक खास किस्म की सोसाइटी इमेज के ऊपर डिलीवर कर सकते हैं जहां पे ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में बहुत सैचुरेट की हुई है एनवायरमेंट को तो वो असीूम कर सकता है कि लोग कंप्यूटर भी है ये भी है वो भी है और हमारी सोसाइटी के अंदर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी सैचरेट ने भी नहीं की हुई क्योंकि गरीब मुल्क है तो हमें कई दफ़ा मॉडल्स के बारे में और तरह से सोचना पड़ेगा कि हम ये भी सोचें कि टेक्नोलॉजी कैसे उस पॉइंट पे डिलीवर की जाए और कौन सी टेक्नोलॉजी डिलीवर की जाए कि हम जो मॉडल चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो रिसीविंग एंड पे वो उसको रिसीव करने की टेक्नोलॉजी मौजूद हो तो इसका मतलब है हमें आ, उन तमाम बच्चों का ख्याल रखना चाहिए जो बड़े शहरों में हैं, आ, बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आ, इंटरनेट भी अवेलेबल है चौबीस घंटे के लिए आ, शहर के आस के इलाके अगर कोई हैं जहाँ पर आ, इंटरनेट चौबीस घंटे अवेलेबल नहीं है आ, कम्प्यूटर्स अवेलेबल हैं उनका भी ख्याल करना पड़ेगा हमें दूर दराज़ के बच्चों का भी ख्याल करना पड़ेगा जैसे मैंने आपसे कहा कि 50 लाख बच्चे ऐसे हैं जो उस वक्त स्कूल नहीं जा रहे उनमें से कुछ शहरों के अंदर रह रहे हैं कुछ बाहर कुछ बहुत दूर दराज के इलाकों में तो ये नाजरीन एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस चैलेंजिंग सफ़र में आप आ, है हमारे साथ, आ, साथ रहेंगे अब हमें इजाज़त दीजिए अशरफ इकबाल को इजाजत दीजिए यासर हाशमी को इजाज़त दीजिए हाफिज़